फिल्म जगत की सबसे बड़ी फिल्म है पठान। अब टीवी वाले तो यही बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप दूसरे ग्रह पे जाके भी देखोगे ना इस पिक्चर को, वहां पे भी भीड़ लगी हुई है, सीट नहीं मिलने वाली आपको पठान देखने के लिए। पठान की बहुत ज्यादा बड़ाई हो रही है टीवी न्यूज के द्वारा, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर पे थोड़ा देखेंगे क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हैं और हमें तो भैया मून पे जाके देखने का मतलब पैसे भी नहीं है, क्या कह सकते हैं। तो अभी हम लोग जमीन पे देखते हैं कि पठान की हालत क्या चल रही है और खास तौर से भारतीय जमीन पे। ठीक है, सपोर्ट तो चल रहा है, शाहरुख खान छोटा एक्टर तो है नहीं, ये नहीं कह सकते। ये आप साइड में देख रहे हो इमेज ना, इसमें लोग बता रहे हैं कि भाई हम पूरा हॉलीवुड कर चुके हैं और लोगों को फ्री में टिकट देंगे। तो ऐसे कुछ पागल लोग हैं जो कि फैन फोन बनते रहते हैं। मैं तो वैसे हूं नहीं किसी एक्टर का पर्सनली, बट लोग बनते हैं और इससे प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उसी हीरो को होता है। और ऐसे अगर फैन वैन लोग जाते हैं वहां पे तो भैया वहां पे साइन वाइन कर देते हैं लोग, स्टार लोग, कि लो इसी को लेके खुश रहो। वैसे उसे कुछ होता तो है नहीं ना, अब क्या बता सकते हैं, दुनियावी फैन जो भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ सपोर्ट है, ठीक है अभी देखो। लेकिन यहाँ पे विरोध भी बहुत जम के हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा कि जाके घुस के सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ भी चल दे रही है। अब वीडियोस तो ऐसे ही बता रहे हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो वीडियोस ऐसे ही है, विरोध है, सपोर्ट है। लेकिन जो न्यूज मीडिया बताई है ना, वो क्या सही बता रही है कि इतना ज्यादा पूरा खच खच भीड़ है। देखो जो ट्विटर पे है वो स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है कि देखो इतना खाली है, कोई कह रहा है तो कोई बोल रहा है इतना भरा है कि साला पैर रखने की जगह नहीं है। बताओ एक के ऊपर एक बैठ के देख रहे हैं लोग, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। मैं जब गया पिक्चर का बुकिंग के लिए तो देखो ओरिजिनली मैं बता दूं बहुत ज्यादा भरा नहीं है या फिर बहुत भी भरा नहीं है, लेकिन हाँ लोग जा रहे हैं। ठीक है, विरोध भी चल रहा है, लोग भी जा रहे हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप जाओ और आपको सीट ना मिले। ठीक है, नॉर्मल है, जैसे डेली रूटीन चलता रहता है वैसे ही सिनेमा घर का चल रहा है। बायकॉट का फर्क तो मैं कह सकता हूं नहीं ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो एक क्रेज सोच रहे थे ना बॉलीवुड वाले की निकलेगा पठान पठान पठान, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हो आपको जब चाहोगे तब सीट मिलेगी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप भरी है कि क्या है, क्योंकि हर जगह हरा हरा मुझे दिख रहा था, मैंने लखनऊ का चेक करा था। ठीक है, चल रहा है भाई, भगवान भरोसे चल रहा है। तो कुछ लोग तो यहां तक हैं कि भाई शेयर कर रहे हैं तस्वीरें कि भाई देखो ये मैंने चंदा कटा दिया आने वाली शिवरात्रि के लिए, टीवी देख के क्या होगा, फिल्में देख के क्या होगी। तो यहां यहां तक लोग कर रहे हैं बायकॉट के लिए। और मुझे लगता है देखो सबसे पहले ये स्क्रीन पे आप तो को दिख रहा है ना, इससे अच्छा चीज मैं वेबसाइट बता दूंगा वहां पे मिलेगा। ठीक है, अगर यही देखना है आपको तो फिर कमेंट करो, मैं बताता हूँ साइट्स, आप जाओ देखो, इससे अच्छी मूवी होती है, डेटा भी कम यूज होगा। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ खास नहीं है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए, मैंने बहुत दे दिया और जो भी आगे का होगा मैं जरूर बताऊंगा आपके साथ। ठीक है, सो इतना ज्यादा भी क्रेज नहीं है और मैं तो कहता हूँ शिवरात्रि आने वाली है, थोड़ा भंडारा भंडारा करवा दो यार, पैसे ज्यादा हैं तो।